नमस्कार दोस्तों, टैक्सेशन ऑफ कैशबैक पॉइंट्स, ये टॉपिक मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि बहुत से लोग आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शंस करते हैं, या मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो वी आर लिविंग इन अ डिजिटल इकोनॉमी, और ये डिजिटल इकोनॉमी की शेप, डिजिटल इकोनॉमी का साइज धीरे धीरे बहुत व्यापक होता जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे डिजिटल ट्रांजेक्शंस ऐसे भी हैं जिनमें कहीं ना कहीं हमारे को कैशबैक के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है, किसी प्रकार का रिवॉर्ड पॉइंट हमें दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो कैशबैक पॉइंट, क्या वो रिवॉर्ड पॉइंट एक रिसिपिएंट के लिए या ट्रांजेक्शन करने वाले पर्सन के लिए टैक्सेबल हैं अथवा नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ इसी विषय पर एक डिस्कशन लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने टाइप्स ऑफ इंसेंटिव रख रहा हूं कि ये जो इंसेंटिव्स हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, या हमारे इस वीडियो के कवरेज में कौन कौन से इंसेंटिव्स पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वन इज कैशबैक, कि आपको कोई पर्टिकुलर परचेज करने पर कुछ कैशबैक मिला, या किसी प्रकार के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड में आपने 100 रुपए की परचेज करी तो आपको 50 पैसे या 1 रुपए का एक रिवॉर्ड पॉइंट इक्विवेलेंट टर्म्स में मिला, या आपको किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज करने पर कुछ इंस्टेंट डिस्काउंट या रिबेट मिला। तो आइए देखते हैं कि इनका टैक्सेशन किस प्रकार इनकम टैक्स के प्रस्पेक्टिव में हो सकता है। एक और पॉइंट जो मेरे दिमाग में है, मैं आपके सामने रखता हूं कि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आ रहे हैं या जो कैशबैक पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास में, किसी प्रकार का रिबेट डिस्काउंट आ रहा है, इसका आपके सोर्स ऑफ इनकम से क्या लेना देना है, और साथ ही साथ अगर ये इनकम है भी तो कौन से हेड की इनकम है। अगर आप सैलरीड पेड पर्सन है तो अगर कोई इनकम मानी भी जाती है तो क्या वो सैलरीड इनकम होगी या अदर इनकम होगी। अगर आप बिजनेसमैन है और इस प्रकार के कोई रिवॉर्ड पॉइंट है तो क्या वो बिजनेस इनकम है या अदर इनकम है। या लास्ट बोलूं तो क्या इस इनकम को अदर सोर्स की इनकम माना जा सकता है क्या। अगर मैं इस बात को इस प्रकार से रखना चाहूं दोस्तों कि इस तरीके के ट्रांजेक्शन को मैं इनकम मान भी लूं, तो आप अगर सैलरीड पेड पर्सन है तो ये आपकी सैलरीड इनकम तो नहीं है, सैलरी इनकम तो नहीं है, तो आपकी अदर सोर्स की। और अगर आप बिजनेसमैन है और आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन के दौरान उनको करने से कोई इस प्रकार के इंसेंटिव आपको मिलते हैं तो मैं उसे कह सकता हूं कि देन इट कैन बी ट्रीटेड टू बी अदर सोर्स इनकम। लेकिन बाय डिफॉल्ट इन ट्रांजेक्शन से यदि कोई आय इनकम टैक्स की नजर में होती भी है तो उसे अदर सोर्स इनकम माने जाने की संभावना ज्यादा है। अब बात करता हूं दोस्तों आपके साथ में टैक्सेशन ऑफ कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट्स की, जो मेरा मूल विषय है आज का, कि अगर आपको किसी प्रकार का कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट मिला है तो उसका टैक्सेशन क्या होना चाहिए। तो मैंने उसको दो प्रस्पेक्टिव में आपके सामने रखने की बात रखी है यहां पे, कि हैव यू रिसीव्ड क्रेडिट इन योर बैंक और इन क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट फॉर सच पॉइंट्स, और हैव यू एडजस्टेड सच पॉइंट्स अगेंस्ट एनी फ्यूचर परचेजेस पेमेंट। मैं इसे एक उदाहरण से आपके सामने रखता हूं कि मान लीजिए मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख के बिल का भुगतान किया, और 1 लाख का बिल का भुगतान करने की वजह से मेरे को 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए। ये 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स जो मेरे को मिले उनको मैं अपनी किसी फ्यूचर परचेज के अगेंस्ट में एज अ पॉइंट एडजस्ट कर सकता हूं। मुझे मान लीजिए 1,000 पॉइंट के हर पॉइंट की 1 रुपए की क्रेडिट मिलती है, तो 1,000 रुपए के बराबर इन पॉइंट्स की वैल्यू हो गई। अब मान लीजिए भविष्य में मैंने 15,000 रुपए का मोबाइल लिया और उसमें वो 1,000 रुपए के क्रेडिट पॉइंट मैंने एडजस्ट कर दिए, तो फाइनली मुझे 14,000 का पेमेंट करना पड़ा। तो ये 1,000 रुपए के जो इक्विवेलेंट पॉइंट थे सर, वो कहीं ना कहीं कैशबैक के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स थे या कैशबैक पॉइंट्स थे वो इक्विवेलेंट टू करेंसी वैल्यू है। अब अगर वो इक्विवेलेंट टू करेंसी वैल्यू है तो मुझे लगता है कि सर ये 1,000 पॉइंट, ये तो हुआ एक ट्रांजेक्शन। अब साल भर में ऐसे कितने ट्रांजेक्शन हुए जो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से किए, और उन पर्टिकुलर टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स को मैंने या तो किसी परचेज के अगेंस्ट एडजस्ट किया, या मैंने बोला बैंक से कि हाँ साहब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए और मेरे किसी बिल से एडजस्ट कर दीजिए। तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों मैं ये मानता हूं कि वो एक प्रकार से करेंसी में कन्वर्ट हो गए पॉइंट्स, और जैसे ही वो पॉइंट्स करेंसी में कन्वर्ट हो गए तो आपके हाथ में इनकम टैक्स लायबिलिटी उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए निश्चित रूप से लाई जा सकती है। सो द ओपिनियन विच आई वुड लाइक टू शेयर हियर इज कि अगर आपको कोई कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, ड्यू हो रहे हैं, और आपने किसी दिन उनको यूज किया इन टर्म्स ऑफ एडजस्टिंग अगेंस्ट योर क्रेडिट कार्ड बिल, या आपको उनकी क्रेडिट मिली रूपी टर्म्स में आपके बैंक स्टेटमेंट में, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में,
या आपने उन पॉइंट्स का प्रयोग किया किसी पर्टिकुलर फ्यूचर परचेज को एडजस्ट करने में, उसका परचेज प्राइस को एडजस्ट करने में, उस दिन मेरी ओपिनियन में वो क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स, कैशबैक के पॉइंट्स या रिवॉर्ड पॉइंट्स आपकी इनकम माने जा सकते हैं। अब दोस्तों, इसी प्रकार से हमें कई बार किसी पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करने के लिए जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वो कहते हैं जी इस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो एडिशनल 5% 10% हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, रिबेट दे देंगे। तो वो जो 5% 10% डिस्काउंट हमें मिल रहा है, क्या वो इंस्टेंट डिस्काउंट भी इनकम है क्या? वहां मेरा मानना थोड़ा सा डिफर करता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मैंने अमेजन पर जाकर के या किसी फ्लिपकार्ट पे जाके या किसी भी ऑनलाइन पे जाकर के साइट पे जाकर के 2 लाख की परचेस करी और उन्होंने बोला कि आप फॉर एन एग्जाम्पल एक्सिस बैंक कार्ड यूज करिए, हम आपको 5% कैशबैक देंगे, तो 5% का डिस्काउंट देंगे। मैं कैशबैक की नहीं बात करता हूं, यहां डिस्काउंट की बात करता हूं। तो मैंने 2 लाख पर एक रिस्पेक्टिव क्रेडिट कार्ड को यूज किया तो उन्होंने मेरे को 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो अल्टीमेटली मेरे को 1,90,000 का पेमेंट करना पड़ा। ये 10,000 का डिफरेंस इनकम है क्या? मैं सर इसको इनकम नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मेरा खर्चा था 2 लाख, उसके अगेंस्ट मेरे को 10,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया बिकॉज ऑफ यूज ऑफ अ पर्टिकुलर कार्ड, और मेरा फाइनली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हुआ 1,90,000 रुपए। इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को सर मैं, मेरी ओपिनियन में इनकम टैक्स की जद में ये ट्रांजेक्शन आए ऐसा नहीं मानता। दोस्तों, एक और पॉइंट जो मैं यहां डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपने मेरे कहने से एक बार के लिए मान लिया कि ठीक है भाटिया जी, अगर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स या क्रेडिट कार्ड यूज करने से कोई कैशबैक पॉइंट्स मेरे इकट्ठे हो रहे हैं तो वो मेरी इनकम बन जाते हैं, तो क्या उस इनकम के अगेंस्ट में कोई एग्जम्पशन लिमिट भी है क्या? तो पहली बात, अगर आपके पास कोई सब्सटेंशियल इनकम नहीं है तो आप अगर इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को लेकर चलते हैं तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन क्योंकि कोई व्यक्ति अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है तो मैं मानता हूं कि जनरली उनके पास में अच्छी टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वहां एग्जॉस्ट हो चुकी होगी। हाँ, अगर इस तरीके के रिवॉर्ड पॉइंट को मैं एक प्रकार का आपके लिए गिफ्ट मान लूं तो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 ये कहता है कि 50,000 रुपए तक का नकद गिफ्ट सभी नॉन रिलेटेड पार्टी से जो आपको साल में आया है वहां तक तो आपको कोई टैक्सेशन इशू है नहीं। अगर 50,000 से ऊपर साल भर का अमाउंट नॉन रिलेटेड पार्टी से मैं अगर इन गिफ्ट पॉइंट को, रिवॉर्ड पॉइंट को इनकम मान लेता हूं तो जैसे ही ये 50,000 से ऊपर हो जाएंगे फिर पूरा का पूरा अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये एक पक्ष दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि कैशबैक के पॉइंट्स या रिवार्ड पॉइंट्स के ऊपर, यानी उनके टैक्सेशन से रिलेटेड पक्ष पर, ये जो वीडियो मैंने आपके सामने रखी, इसमें जो विचार मैंने आपके सामने रखे या मैंने अपनी ये ओपिनियन रखी कि मेरी ओपिनियन में सर ये रिवार्ड पॉइंट्स विशेष परिस्थितियों में टैक्सेबल भी हो सकते हैं, तो आप इन पक्षों का, इन इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग्स का ध्यान रखें ताकि कल आप किसी प्रकार के इनकम टैक्स के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस में ना उलझे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।